दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर लंबे वक्त से न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ऋषि कपूर भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो, लेकिन दोस्तों समय समय पर सोशल मीडिया पर फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट देते रहते हैं। इस बीच दोस्तों रणवीर कपूर ने अवार्ड सेरेमनी के दौरान पापा ऋषि कपूर के बारे में ऐसी बात बताई जिसे बताते बताते वह खुद इमोशनल हो गए। रणबीर कपूर ने यह बात जी सिने अवार्ड के दौरान अपने स्पीच में कही। रणबीर कपूर को जी सिने अवार्ड में संजू फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अपने विनिंग स्पीच में ऋषि कपूर का जिक्र करते हुए रणबीर सबके सामने इमोशनल हो गए। रणबीर कपूर ने कहा कि मैं इस अवार्ड को अपने पापा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। इस वक्त वह अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। रणबीर कपूर ने आगे कहा कि जब भी मैं उनसे बात करता हूँ वह केवल फिल्मों की बात करते हैं। वह फिल्म में लोगों की परफॉर्मेंस और उनका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है उसके बारे में पूछते रहते हैं। वह मुझसे ये भी कहते हैं कि तुम इस सीन में क्या कर रहे हो। आजकल उनके मन में असुरक्षा की भावना आ चुकी है। वह अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि जब मैं ठीक होकर वापस आऊँगा तो क्या मुझे फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिलेगा, क्या लोग फिल्म ऑफर करेंगे, क्या फिर से फिल्मों में एक्टिंग कर पाऊंगा। दोस्तों, रणवीर कपूर की इस स्पीच का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रणवीर स्टेज पर बात करते हुए भावुक नजर आ रहे हैं। ऋषि कपूर की बात करें तो वह आखिरी बार मुल्क फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके अलावा तापसी पन्नू और आशुतोष राणा भी थे। इस फिल्म को अभिनव सिंह ने डायरेक्ट किया था। ऋषि कपूर की बीमारी का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी मिलते ही वह अपना इलाज करवाने विदेश चले गए थे। कहा तो जा रहा है कि ऋषि कपूर के भारत आते ही रणवीर और आलिया के पेरेंट्स शादी की बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर दोस्तों खबरों की माने तो दोनों परिवार आलिया और रणवीर की शादी के लिए तैयार है, बस ऋषि कपूर की तबीयत ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर फिल्मों की बात करें तो रणवीर के पास इस समय ब्रह्मास्त्र और शमशेरा दो बड़े बजट की फिल्में हैं।